गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिल्मी सीक्रेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कोई भी मूवी को जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मूवी को ऐसे ही बना दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ी टीम के साथ काम करा है और एक फिल्म को बनाने में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों का योगदान रहता है, तब जाकर कहीं न कहीं एक मूवी बनकर तैयार होता है जिन्हें हम पर्दे पर देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं साउथ के सबसे सफल फिल्म KGF 2 बिहाइंड द सीन के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि एक्शन सीन्स को कैसे फिल्माया गया है। दरअसल डायरेक्टर साहब ने बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन का उपयोग करते हैं और बाकी एडिटिंग के टाइम पर सारा कुछ हटा दिया जाता है। KGF में सबसे ज्यादा लोगों को इस फिल्म में लाया गया था और इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स है जिसमें एक सीन को करने के लिए बहुत सारे कैमरों का सहायता लिया गया था। तकनीकी कैमरों ने अलग अलग एंगल से शूट किया था, जिसमें एक शूट कंप्लीट करने के लिए कई दिन लग जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले संजय दत्त बीमार चल रहे थे, पर फिर भी तबियत का फिक्र ना करते हुए वो शूटिंग पर आ गए थे। और इस फिल्म में अधीरा के रोल में एक अलग तरह का पहचान बना है संजय दत्त का। अधीरा के रोल के मेकअप के कई घंटे से ज्यादा समय लग जाता था, तब जाकर एक खूंखार विलन के रूप में संजय दत्त तैयार होते थे। पर इस फिल्म में आग की जितनी भी शूटिंग एक्शन दिखाया गया है वो बिल्कुल नकली दिखाया गया है, सभी ग्रीन स्क्रीन के मदद से यह सब कर पाया गया है। फिल्म में बहुत सारे गन का उपयोग करते हैं, लेकिन इतना सारा गन जमा करने के लिए कोरोना के चलते बहुत दिक्कत भी हुआ, तब जाके इतना सारा एक साथ भारी कलेक्शन में गन देखने को मिला था। KGF का लगभग सारा शूटिंग राजामौली राव फिल्म सिटी हैदराबाद में किया गया था। इसमें बहुत बड़ा सेट तैयार किया गया था, बिल्कुल ही बाहुबली की तरह क्लार्क गोल्ड में अभी बहुत सारे शूटिंग किए गए थे। फिल्मों में अक्सर हम जो भी अपनी आंखों से देखते हैं वो सभी रियल नहीं होते हैं, कुछ रियल होते हैं तो अधिकांश एडिटिंग होते हैं जो हमें देखने के बाद बिल्कुल ही सत्य लगता है। तो दोस्तों, ये बिहाइंड द सीन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।